डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नकदी के अतिरिक्त मतलब कैश ना देकर के, कैश के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार से अब अंशों का जब निर्गमन किया जाता है, उस स्थिति में पंजी पुष्टि किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों के सुनिश्चित प्रावधानों के अंतर्गत कभी कभी अंशों का निर्गमन रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफलों के बदले में भी किया जा सकता है। यदि अन्य प्रतिफल के बदले अंश निर्गमित किए जाते हैं तो चिट्ठे में इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक होता है कि कितने अंशों का निर्गमन रोकड़ में किया गया और कितने अंशों का निर्गमन अन्य प्रतिफलों के बदले किया गया। अन्य प्रतिफल के बदले दिए जाने वाले अंश सममूल्य पर, बट्टे पर एवं प्रीमियम पर निर्गमित किए जा सकते हैं। निम्नांकित दशाओं में रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों को निर्गमित किया जा सकता है। पहला देखिए, कौन कौन सी दशाएं हैं जिस पर जो है अंशों को निर्गमन किया जा सकता है नकदी के अतिरिक्त, ना। फिर उसमें देखिए, निम्नांकित दशाओं में रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के लिए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। पहला है, संपत्तियों को क्रय करने पर विक्रेताओं को प्रतिफल में अंश देना। मतलब जब हम संपत्ति को खरीदते हैं तो हम उसको रोकड़ ना दे करके हम अंश जो है उसके बदले दे सकते हैं। दूसरा लिखा है कि व्यवसाय क्रय करने के उपलक्ष्य में अंश देना। किसी का व्यवसाय अगर खरीद रहे हैं उसके बदले में उसको कंपनी का अगर अंश दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो कंडीशन भी अप्लाई होता है। तीसरा है, कंपनी के प्रवर्तकों, इंजीनियरों एवं तकनीकियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के उपलक्ष्य में अंश देना। मतलब ये जो कंपनी के प्रवर्तक हैं, जो कंपनी को प्रारंभिक तौर पर स्टेबल करने का काम करते हैं, उनको, इंजीनियरों को और तकनीकियों को अगर उनके सेवा के बदले में हम अंश दे रहे हैं, तो इस स्थिति में भी हम इसकी पंजी पुष्टि करेंगे। ठीक है, तो इस संबंध में पंजी पुष्टियाँ जो है निम्न प्रकार की होंगी। पहला लिखा है, देखिए, संपत्ति या व्यवसाय खरीदने पर उसके प्रतिफल स्वरूप अंशों का निर्गमन। संपत्ति या व्यवसाय खरीद रहे हैं उसके प्रतिफल स्वरूप, तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, तो विक्रेता का खाता विकलन हो जाएगा पूंजी खाता से। विक्रेता खाता विकलन पूंजी खाता से। संपत्तियों के क्रय मूल्य के भुगतान के लिए अंशों का निर्गमन, विक्रेता खाता विकलन पूंजी खाता से। ठीक है, ये अंशों को जब भुगतान करते हैं तब उस स्थिति में ये पंजी पुष्टि होगी, और क्रय करेंगे उस समय जैसा पंजी पुष्टि हम पहले से करते आ रहे हैं, उधार क्रय करने पर संपत्ति खाता विकलन, जो भी संपत्ति खरीदे, मशीन खरीदे तो मशीन खाता विकलन, जिससे खरीदे हैं उस विक्रेता का नाम या उस विक्रेता के जो फर्म का नाम है उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि विक्रेता का खाता विकलन हो जाएगा पूंजी खाता से। ये पूंजी खाते में हम यहाँ पे जोड़ देंगे क्या, अंश पूंजी खाते से। क्या हो जाएगा, अंश पूंजी खाता से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यवसाय क्रय करने के बदले में अंश देना है तो विविध संपत्ति खाता विकलन, विविध दायित्व खाते से और विक्रेता खाता से। ठीक है, व्यवसाय क्रय किया तथा संपत्ति व दायित्व लिया तो विविध संपत्ति खाता विकलन, विविध दायित्व खाता से और विक्रेता खाता से। जब व्यवसाय हम क्रय करेंगे तो उस समय इस प्रकार की पंजी पुष्टि करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विक्रेता खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। क्रय करने पर, व्यवसाय क्रय करने पर यह पंजी पुष्टि होगा, विविध संपत्ति खाता विकलन, विविध दायित्व खाता से और विक्रेता खाता से। ठीक है, उसके बाद पंजी पुष्टि करेंगे हम विक्रेता खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। विक्रेता खाता विकलन अंश पूंजी खाता से करके व्यवसाय विक्रेता को अंश दिया, व्यवसाय विक्रेता को अंश दिया। ठीक है, इस प्रकार की पंजी पुष्टि होगी। उसके बाद जो तीसरा होगा, प्रवर्तकों को अंश का निर्गमन करेंगे तो प्रवर्तकों का व्यय खाता विकलन अंश पूंजी खाता से डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, प्रवर्तकों को अंश का आवंटन किया गया करके। ठीक है, इस प्रकार से जो है पंजी पुष्टियां होंगी। इसके कुछ प्रश्न है जो कि हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उदाहरण में स्पष्ट दिया हुआ है कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने विक्रम ट्रेडर्स से 72,000 रुपये मूल्य की संपत्ति खरीदी। इसके भुगतान में 100 रुपये वाले पूर्ण दत्त सामान्य अंश निर्गमित किए, पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए यदि अंश निर्गमित किए गए हों। पहला सममूल्य पर, दूसरा बट्टे पर और तीसरा प्रीमियम पर। तो 10% बट्टे पर और 20% प्रीमियम पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, संपत्ति जब खरीदते हैं तो हम लिखते हैं संपत्ति खाता
खाता विकलन विक्रम ट्रेडर्स से। किससे खरीदे, तो विक्रम ट्रेडर्स नाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया संपत्ति खाता विकलन विक्रम ट्रेडर्स से संपत्ति खरीदी गई 72,000 का, और उसके बदले में सममूल्य पर अब क्या देंगे, अंश देंगे। तो पहला जो कंडीशन है सममूल्य पर, हम तो कंडीशन नंबर एक के हिसाब से कहेंगे विक्रम ट्रेडर्स विकलन समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से। अगर अंशों में दिया रहेगा कि समता अंश है कि पूर्वाधिकार अंश है, तो आप लिख सकते हैं समता अंश पूंजी खाता से, या नहीं दिया तो केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि विक्रम ट्रेडर्स विकलन अंश पूंजी खाता से 72,000 720 समता अंश पूर्ण दत्त 100 रुपये वाले निर्गमित किए। दूसरा में होगा बट्टे पर, दूसरा जो कंडीशन था वह है बट्टे पर है 10% बट्टे पर, हम तो बट्टे पर निकालेंगे। तो विक्रम ट्रेडर्स विकलन, देखिए बट्टे पर क्या पंजी प्रविष्टि होगी, तो विक्रम ट्रेडर्स विकलन अंशों पर बट्टा खाता विकलन, और यहां पर हो जाएगा अंशों पर बट्टा खाता विकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समता अंश पूंजी खाता से 800 पूर्ण दत्त समता अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमन किया, 72,000 ये और 8,000 का बट्टा का हो गया और 80,000 टोटल, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन था कि प्रीमियम पर 20%, तो विक्रम ट्रेडर्स विकलन समता अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से हो जाए 600 पूर्ण दत्त समता अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया गया, तो 72 और 60,000 और 12,000। अब ये कहाँ से आया, इस प्रकार की गणना कैसे किए, तो यहाँ पर देखिए नोट मिलकर, सर्वप्रथम विभिन्न दशाओं में निम्न निर्गमित अंशों की संख्या निम्नानुसार ज्ञात की गई। पर देखिए अंशों की संख्या बराबर क्रय प्रतिफल की राशि, क्रय प्रतिफल मतलब कितना हमने भुगतान करना है उसकी राशि को यहाँ पर लिखेंगे, है ना, और उसके बाद अंश का निर्गमित मूल्य, अंश का निर्गमित मूल्य। तो हमने कितना का खरीदा था, 72,000 का, है ना, तो अगर सम मूल्य पर निकालेंगे तो क्या होगा, 72,000 भागित कर देंगे अंश की, अंश का मूल्य कितना है 100, तो 72,000 भागित 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना अंश आ जाएगा 720 अंश। देखिए 72,000 भागित 100 कर देंगे कितना आ जाएगा 720 अंश, क्योंकि यहाँ पर दो जीरो कट जाएगा तो कितना आ गया 720, ये सम मूल्य पर हो गया, क्या हो गया, सम मूल्य पर हो गया। इसी में अगर देखिए सम मूल्य यहाँ पर लिखा भी है, सम मूल्य पर निर्गमन तो 72,000 भागित 100 करें तो 720, बट्टे पर निर्गमन निर्गमित अंशों की संख्या, तो हम यहाँ पर 72,000 जो मूल्य है और बट्टे पर निर्गमन करें हैं, तो एक अंश को कितने रुपये में निर्गमित किए हैं, 90 रुपये में, कितने रुपये में, 90 रुपये में, है ना, बट्टे पर है मतलब 10% बट्टा, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, तो 90 रुपये में 10 रुपये को माइनस कर देंगे 100 से, तो माइनस 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आएगा, तो 72,000 भागित 90 कर दिए तो कितना 800 अंश। और प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो प्रीमियम मतलब 20% प्रीमियम बोल रहे, तो 100 रुपये का अंश को हम 20% एक्स्ट्रा मतलब 20 रुपये और जोड़ दीजिए, तो 120 रुपये हम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में 72,000 भागित 120 करेंगे तो 600 रुपये। इस प्रकार से इसका जो है पंजी पृष्टि होगा। यह भी बहुत ही आसान है, इसमें विशेष कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्रियात्मक प्रश्न, क्योंकि क्रियात्मक प्रश्न में से भी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं कि इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन में जेड लिमिटेड ने एक मशीन 39,600 रुपये में नीरा ट्रेडर्स से खरीदी, नीरा ट्रेडर्स से खरीदी 39,600 रुपये, जिसका भुगतान 10 रुपये वाले अंशों में किया गया, कितने वाले अंशों में, 10 रुपये वाले, अग्र दशाओं में पंजी पृष्ठियाँ बनाई हैं, ठीक है। पहला जो दशा था वो जब अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया हो, और जब अंश 10% कटौती पर निर्गमित किया गया हो, इन दोनों दशाओं में हमको बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पंजी पृष्टि होगा, पंजी पृष्टि होगा मशीनरी खाता या मशीन खाता विकलन नीरा ट्रेडर्स से, मशीन खरीदे 39,600 हमने लिख दिया, फिर एक कौन सा कंडीशन था, जब 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हो, प्रीमियम पर है तब की दशा में, फिर नीरा ट्रेडर्स विकलन अंश पूंजी खाता से और अंश प्रीमियम खाता से 39,600, और यहाँ पर क्या हो गया 36,000, और यहाँ पे 3600 रुपये, कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो है निकालेंगे तो 39,600
का कर देंगे 39,600। कितने में निर्गमन किया पर अंश? 11 रुपया। तो इसको भाग दे दीजिए, 11 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 3600 अंश आ रहा है। इस 3600 अंश गुणित कर देंगे हम 10, गुणित क्या कर दे 10, क्योंकि सब मूल्य पर कितना था? मतलब हाँ, मतलब टोटल उसका मूल्य के सब मूल्य पर हमारा 10 रुपये के हिसाब से है, तो 3600 गुणित 10 करते 36,000 अंश पूंजी खाता 36,000। और 1 रुपया एक्स्ट्रा था, 11 रुपये में 10 रुपये का जो अंश है उसको 11 रुपये में बेचिए तो 1 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 1 रुपया हमारा प्रीमियम का हो गया। 1 रुपया गुणित 3600 में करेंगे तो 3600 आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये हो गया 36,000 उसका अंश पूंजी खाता से। और तो ये आपने समझ गए होंगे कि 3600 रुपये अंश प्रीमियम खाता से करके हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। दूसरा जो है, जब अंश जो है 10% कटौती पर निर्गमन किए गए हों तो मशीनरी खाता विकलन नीरज ट्रेडर्स से पहला पंजी प्रविष्टि और उसके बाद नीरज ट्रेडर्स विकलन हो जाएगा, बट्टे पर अंशों का निर्गमन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, या अंश पर बट्टा खाता विकलन अंशों का बट्टा खाता विकलन भी लिख से, या बट्टे पर अंशों का निर्गमन खाता विकलन इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो 39,600 और बट्टा का 4400 टोटल कितना होगा 44,000। कैसे कैलकुलेशन किए तो हम जो है कितने का मूल्य था 39,600 मूल्य था, और एक जो अंश है उसको कितने में निर्गमन किए तो 10% कटौती मतलब 9 रुपये में निर्गमन किए, ठीक है। तो 9 से भाग देंगे इसको तो कितना हो रहा है 4400 अंश आ रहा है। 4400 अंश में हम क्या कर देंगे 9 से गुणा कर देंगे तो हमारा जितना आया वो 39,600 आया नीरज ट्रेडर्स, और बट्टा कितना का हो गया तो 4400 गुणित 1 करेंगे क्योंकि 1 रुपया कम करके मतलब दे रहे हैं, तो 1 तो 4400 क्या बट्टा और 39,600 नीरज ट्रेडर्स को इतने का अंश दिए। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर दिए, कितना हो गया 44,000 हो गया। बट्टे पर 4400 अंशों का क्या कर दिया हमने निर्गमन किया, इस प्रकार से पंजी पुष्टि होगी। अब 35 नंबर का क्वेश्चन भी देख लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है जैसे हमने उदाहरण के प्रश्न को देखा। कुमार लिमिटेड ने भानु आयल लिमिटेड से 6,30,000 रुपये की संपत्ति का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार 100 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया, ठीक है। कौन सी रोजनामचा प्रविष्टि की जाएंगी यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर बट्टे पर और प्रीमियम पर किया गया है? तो 10% बट्टा और 20% प्रीमियम। तो सेम है जैसे उदाहरण में समझे हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विविध परिसंपत्तियां खाता विकलन भानु आयल लिमिटेड से हमने 6,30,000 का संपत्ति खरीदा, तो हम लिख दिए विविध परिसंपत्तियां खाता विकलन भानु आयल लिमिटेड से विविध परिसंपत्तियां खरीदी। अब भानु आयल लिमिटेड विकलन हो जाएगा अंश पूंजी खाता से। पहला कंडीशन ए मतलब सम्मूल्य पर निर्गमन के संबंध में रहेगा, तो भानु आयल लिमिटेड विकलन अंश पूंजी खाता जितने का अंश है उस पर हमने क्या कर दिया अंश जारी कर दिया 100 रुपये। तो यहाँ पर कैसे निकाले सम मूल्य पर निर्गमन, तो भुगतान मूल्य बटे प्रत्येक शेयर का मूल्य, तो 6,30,000 भुगतान मूल्य था, उसका प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना 100 रुपया, तो 6,30,000 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6,300 अंश आ रहा है, ठीक है। 6,300 अंशों को यहाँ पर हमने लिख दिया 6,300 अंश निर्गमित करने पर, यहाँ पर राशि सेम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन था कि 10% बट्टे पर निर्गमन, तो यहाँ पर भानु आयल लिमिटेड विकलन बट्टे पर अंशों का निर्गमन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से करके लिख देंगे। अब यहाँ पर हम फिर वैसे निकालेंगे बट्टे पर निर्गमन करेंगे तो भुगतान मूल्य बट्टे अंश मूल्य माइनस बट्टा प्रति अंश, ठीक है, बट्टा प्रति अंश। तो यहाँ पर देखिए 6,30,000 माइनस 100 रुपये का तो अंश मूल्य था, उसमें 10 रुपये हमको माइनस करना है, मतलब 10% माइनस करना है, तो 100 में 10% मतलब 10 रुपये, ठीक है। तो 100 में 10 रुपये हम कम कर दिए मतलब कितना रुपये का हो गया प्रति अंश 90 रुपये हो गया, तो 6,30,000 बटे 90 कर दिए। अब इसको काट दीजिए और इधर से भी काटेंगे तो कितना आ रहा है 7,000 शेयर आ रहा है, ठीक है। 7,000 9 × 9 = 63 मतलब 7,000 शेयर आ रहा है, 7,000 अंश निर्गमन किए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7,000 अंशों को 10% बट्टे पर निर्गमन किया, तो 10% बट्टा मतलब 7,000 गुणित 10 करेंगे तो 7,000, और 7,000 गुणित
सॉरी 90 गुणित 7000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सी जो सेक्शन है वो है प्रीमियम पर निर्गमन। तो हम यहाँ पर पंजी पुष्टि करेंगे भानु आयल लिमिटेड विकलन अंश पूंजी खाता से और अंश प्रीमियम खाता से। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन किया, तो भुगतान मूल्य बटे अंश मूल्य प्लस प्रीमियम की राशि प्रति अंश। तो 6,30,000 भुगतान मूल्य था, 100 रुपये का अंश था और उसमें प्रीमियम की राशि कितना 20% प्रति अंश प्रीमियम राशि जोड़ दिए थे, 120 रुपये हो गया। तो 6,30,000 को 120 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,250 ये अंश जो है मिल गया। इस अंश को हम गुणा कर देंगे, गुणित कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 52,500 और 20 से गुणा करेंगे तो इसका जस्ट डबल हो गया है ना 10। तो 5,25,000 और यहाँ पर कितना जाएगा 1,05,000 रुपये, ये प्रीमियम की राशि हो गई और ये जो है अंश पूंजी की राशि हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रश्नों को हल करना है, कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर उदाहरण में जैसा दिया है उसके हिसाब से भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं रोकड़ के अतिरिक्त रोकड़ के अलावा जो है अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन जो करते हैं उसके संबंध में हमने इस चैप्टर में इन 2-3 क्वेश्चनों से हमने जाना कि किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अंशों का हरण एवं निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।